देखिए, इंसान से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है और हर समस्या इंसान ही पैदा करता है और हर समस्या का सॉल्व भी इंसान ही करते हैं। और हम नहीं मानते कि बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती है, सिर्फ हम किसी से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रहे, हम अपना अपना हक मांग रहे हैं। देखिए, इंसान से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है और हर समस्या इंसान ही पैदा करता है और हर समस्या का सॉल्व भी इंसान ही करते हैं। और हम नहीं मानते कि बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती है, सिर्फ हम किसी से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रहे, हम अपना अपना हक मांग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें चुनौती है, हम कोई जिस तरीके से कोई गुंडागर्दी करे या दादागिरी करे, तो इस तरीके का कोई बात नहीं, हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए। देखिए, मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर वो अगर करना चाहते तो निश्चित है कि अभी पंचायत चुनाव अभी बीत के गए, जिस तरीके से हम लोग बिहार में निषाद समाज अति पिछड़ा में है, तो वो श्रेणी में, तो आज कम से कम उत्तर प्रदेश में अगर अति पिछड़ा श्रेणी भी अगर बना के जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने एक फार्मूला लाया था 2001 या 2002 में, अगर वो तरीके से भी कर लेते तो आज निषाद समाज काफ़ी हद तक आगे निकल जाते। तो यहाँ के सरकार का मंशा नहीं है कि निषाद समाज आगे निकले। देखिए, जो लोकतांत्रिक में जो हमें हक मिला है उसी के बैनर तले, उसी के माध्यम से हम लोग अपना हक अधिकार मांगेंगे। इसके ऊपर हमने प्लान करके और महागठबंधन हम लोगों ने समर्थन दिया था कि निषाद समाज को फ्यूचर, निषाद समाज का भविष्य को आगे लेके जाना है, उसके लिए बेहतर एक रोड मैप हमने डिजाइन किया था। फिर हमने महागठबंधन को सपोर्ट किया था, जो हम लोग चाह रहे थे कि बिहार में अच्छा विकास हो, अच्छे सरकार बने, इस नीति से हमने महागठबंधन को सपोर्ट किया। लेकिन सिर्फ 7 दिन के अंदर में मुझे पता चल गया कि उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बेहतर विचार नहीं है। बोलने के लिए तो सब बेहतर से बेहतर चीज वादा कर लेंगे, बहुत बहुत सी सारी चीज बोल लेंगे, बहुत सारा चीज देने की वादा कर लेंगे, लेकिन देने के समय आएगा तो वहां पे देने से इनकार करने लगते हैं और देने से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। सिर्फ मुझे 7 दिन में पता चल गया कहीं ना कहीं महागठबंधन का कोई लक्ष्य नहीं है बिहार में, बिहार के समाज को, खासकर अति पिछड़ा समाज को आगे लेके जाने का। सिर्फ उनके एक ही मंशा है, एक ही लालच है, सत्ता कैसे हमारे पास आए हमारे अंदर में। तो मैं मुंबई से मैं बिहार में आया हूँ और अति पिछड़ा समाज को बेहतर आगे कैसे बढ़े, बिहार कैसे आगे बढ़े, इसके लिए मैं एक रणनीति बना के मैं यहाँ पे आके पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहा हूँ अपने समाज के बीच में, अति पिछड़ा समाज के बीच में, कि ये समाज कैसे आगे बढ़े भाई। थोड़ा सा और उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, थैंक यू। उन्होंने जो भी है सिर्फ उनको सत्ता चाहिए, अपनी मर्जी से उन्होंने काम करे। तो हमने 7 दिन के बाद हमने समर्थन हमने उनसे वापस ले लिया, क्योंकि वो हमें बेहतर आगे भी ले जा सकते हैं, उस जहाज पर हमें चढ़ना नहीं जो जहाज लेके आगे रास्ते में डुबा दे। इसलिए निषाद समाज और अति पिछड़ा समाज और बिहार के पूरे भविष्य के बारे में हमने मंथन किया और हमने फिर उनसे समर्थन वापस लिया और आज हमने निर्णय लिया कि एनडीए को हम पूरे बिहार में हम समर्थन करने के लिए जा रहे हैं और पूरे बिहार में हम जोर शोर से हम चाहेंगे कि एनडीए का सरकार बने। भारी 185+ नहीं, हम 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करें और बेहतर और एक अच्छा मजबूत सरकार बनाए और आने वाले समय में बिहार में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 165 करोड़ रुपये का राशि बिहार को दिए हैं और आने वाले समय में केंद्र सरकार से हम लोग मिलकर और ज्यादा से ज्यादा सहयोग लेके और ज्यादा से ज्यादा उनके साथ हम कोऑर्डिनेट अच्छा करके और बिहार को बेहतर आगे लेके चले, तो साथ में अति पिछड़ा समाज को बेहतर काम सम्मान मिले और ये समाज को आगे लेके जाने के लिए एक रोड मैप हमने बनाया है, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि उस रोड मैप पे एनडीए सरकार बनने के बाद एक बिहार में गरीब तबके के जो भी अति पिछड़ा समाज है जो उनको आगे लेके जाने का जरूर निश्चित है कि मैं भरोसा कर रहा हूँ कि आगे लेके चलेंगे और इस पूरे भरोसे पर मैं पूरे बिहार में निषाद समाज की ओर से और अति पिछड़ा समाज की ओर से हम पूरे बिहार में महागठबंधन के खिलाफ में हम उतरेंगे और कहीं ना कहीं हम एनडीए को पूरा मजबूती से सरकार बनाएंगे और आगे निषाद समाज संघर्ष करके
एनडीए को सरकार बनाएंगे और मैं पूरे दिन से पूरे कैंपेन करूंगा, पूरे बिहार में घूम घूम के महागठबंधन जो निशा समाज के साथ चुनाव किया है, जो पकड़ किया है, जो उन्होंने एक अच्छा सपना दिखा के उन्होंने धरती पे गिराने का काम किया, एक भरोसा में लेने के बाद उन्होंने निशा समाज को उन्होंने अपना जागीर समझ के उनको गिराने का काम किया, कहीं ना कहीं निशा समाज के साथ क्षण किया, कपट किया, उनका हम लोग पूरे बिहार में निशा समाज को जवाब देंगे महागठबंधन को कि आने वाले समय में किसी भी तरीके से निशा समाज प्रति पिछड़ा समाज के साथ छल न करे। अब उन्होंने 55% पिछड़ा समाज को टिकट देने का उन्होंने घोषणा किया और उसने आपको पता होगा कि अति पिछड़ा समाज को कितना मिला वो आप लोगों के पास देता होगा, कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज के ऊपर उन्होंने एक कार्ड खेला है जो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज को काफी दर्द हुआ कि अति पिछड़ा के समाज के नाम पे अगला पिछड़ा का राजनीति कर रहे हैं लेकिन पिछड़ा को कुछ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं अपने और अपने परिवार आपको मैं बताना चाहूंगा कि आगे ही लालू प्रसाद जी ने जितना अपने परिवार में टिकट दिया उतना भी टिकट निशा समाज को ले लिया पूरे बिहार में, जो 11% का जनसंख्या पूरे बिहार में निशा समाज का, वहां पे उन्होंने जितना अपने घर में परिवार में टिकट दिया उतना भी टिकट उन्होंने निशा समाज को देने का काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं निशा समाज के साथ धोखा किया है। तो आने वाले समय में हम उनको दिखाएंगे कि निशा समाज का ताकत क्या है, उनकी पावर क्या है, अति पिछड़ा का पावर क्या है। अभी दूर दूर है कि जिस समय में आपने अलग अलग अपने मर्जी से गलत तरीके से भाषण करके आप बिहार पे कब्जा किए, लेकिन आज का बिहार नया बिहार है, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान काफी एक्टिव हो चुके हैं और आपका वो पुराना चाल और पुराना आपका पैसा फिर से दोहराने के लिए नहीं देंगे। निश्चित है कि जनता राज के खिलाफ में हम लोग निश्चित है पूरे वोट पर उतरेंगे और कहीं ना कहीं उनके सरकार को हम विफल करेंगे, उनको सरकार बनने से रोकेंगे। धन्यवाद। देखिए, इंसान से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है और हर समस्या इंसानी पैदा करता है और हर समस्या का सॉल्व भी इंसानी करते हैं और हम नहीं मानते कि बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती है। सिर्फ हम किसी से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रहे, हम अपना अपना हक मांग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें चुनौती है। हम कोई जिस तरीके से कोई गुंडागर्दी करे या दादागिरी करे तो इस तरीके का कोई बात नहीं, हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए। देखिए, मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर वो अगर करना चाहते तो निश्चित है कि अभी पंचायत चुनाव अभी बीत के गए, जिस तरीके से हम लोग बिहार में निशा समाज अति पिछड़ा में है तो वो श्रेणी में, तो आज कम से कम उत्तर प्रदेश में अगर अति पिछड़ा श्रेणी भी अगर बना के जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने एक फार्मूला लाया था 2001 या 2002 में, अगर वो तरीके से भी कर लेते तो आज निशा समाज काफ़ी हद तक आगे निकल जाते। तो यहाँ के सरकार का मनसा नहीं है कि निशा समाज आगे निकले। देखिए, जो लोकतांत्रिक में जो हमें हक मिला है उसी के बैनर तले उसी के माध्यम से हम लोग अपना हक अधिकार मांगेंगे।